हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, अभी मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होता है उस पर बात कर रहे हैं। तो उसी पे हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम लोग कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एक पर्टिकुलर फॉर्म का अगर एक्सप्रेशन रहेगा तो उसमें हम लोग क्या सब्सटीट्यूशन करें कि मेरा जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी ईजी हो जाए बनाने में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कैसे रह सकता है, क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। अगर मेरे से पूछा जाए कि आप इंटीग्रेट करो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 7/2, दिस टाइप ऑफ फॉर्म, या फिर इंटीग्रेशन कुछ दे दे मुझे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3, इसका इंटीग्रेशन पूछ दे या फिर इसका स्क्वायर पूछ दे। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो कैसे वो देखते हैं हम लोग। तो कुछ एक्सप्रेशन लेता हूँ मैं कि अगर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन रहा और उस पर क्या सब्सटीट्यूशन करना है मुझे वो भी देखेंगे हम लोग, क्या सब्सटीट्यूशन करना है। ठीक है, तो लेट्स से कि एक्सप्रेशन है मेरा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म दिया गया है, कि जो मेरा टर्म है एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा। जब भी ये रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट एक्स की जगह क्या करेंगे, ए टेन ऑफ थीटा। अब जैसे ही हम लोग ए टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा उससे देखते हैं हम लोग। ठीक है, रफ यहाँ पे तो जैसे ही इसे पुट किया तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 + tan² θ, जो कि मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर sec² θ। ठीक है, तो मेरा ए स्क्वायर sec² θ बन जाएगा, जो कि हम लोग देखेंगे आगे चल के कि एक बहुत ही इजी फॉर्म में मेरा आ चुका है इंटीग्रेशन। ठीक है, या फिर ए टेन थीटा की जगह हम लोग और एक पुट कर सकते हैं कि x = a cot θ भी पुट कर सकते हैं। अब ए ऑफ कॉट थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, फिर से सेम ए स्क्वायर 1 + cot²θ, और 1 + cot²θ क्या होता है, दैट इज cosec²θ। तो ए स्क्वायर cosec²θ के फॉर्म में आ जाएगा मेरा। फिर से हम लोग देखेंगे कि ये बेसिक फॉर्म में आ चुका है। तो जब इस फॉर्म में रहेगा एक्सप्रेशन तो हम लोग ये करेंगे, लेट्स से कि एक्सप्रेशन है मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये रहेगा तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस केस में क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे x = a sin θ। जैसे हम लोग ए साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, या मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार करके, ए स्क्वायर 1 - sin²θ, जो कि हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर cos²θ। ठीक है, या फिर हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, x = a cos θ। इस केस में क्या आ जाएगा मेरा, a² sin²θ। ठीक है, तो सब पे हम लोग एक एग्जाम्पल करके देखेंगे कि कैसे इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि x² - a² है, जब x² - a² का फॉर्म रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x = a sec θ, या फिर x = a cosec θ। ठीक है, फिर से जब sec पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं, तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, 1 - sec²θ, ये हो गया, नहीं नहीं सॉरी, तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और sec²θ - 1, विच इज ये क्या हो जाएगा, ये हो गया tan²θ। तो a² tan²θ, और इस केस में क्या आ जाएगा, a² cot²θ। ठीक है, अब एक और फॉर्म रह सकता है कि ये दिया रहे कि a + x / a - x√, या फिर a - x / a + x, इस टाइप का फॉर्म में रहे, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे x = a cos²θ। जैसे ही a cos²θ पुट करेंगे देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ले रहे हैं तो a यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + cos²θ / a 1 - cos²θ। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a कैंसिल हो गया, 1 + cos²θ का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि ये होगा 2 cos²θ, और ये क्या हो जाएगा 2 sin²θ। फिर से 2 एंड 2 कैंसिल,
एंड कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया कॉट ऑफ स्क्वायर थीटा विच इज कॉट थीटा। तो ये जो बड़ा एक्सप्रेशन था हम लोग क्या किए, इसके रिड्यूस कर दिए कॉट थीटा। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म है तभी हम लोग ए ले रहे हैं, अगर यहाँ पे वन दिया जाए तो हम लोग यहाँ पे वन लेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे ए रहेगा वही ए यहाँ पे लेना है हम लोगों को, ओके। अगर यहाँ पे रहा कि नहीं थ्री स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को क्या लेंगे हम लोग, थ्री साइन थीटा लेंगे, ओके। तो चलिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और ये एक्सप्रेशन को, ये सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को अच्छे से समझ लेना और याद भी कर लेना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने ये प्रॉब्लम लिया है कि इंटीग्रेशन मुझे क्या करना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू डी एक्स का। तो कैसे करेंगे, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म रहता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा पुट करेंगे या फिर एक्स इज इक्वल्स टू ए ऑफ कॉट थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट सबसे पहले पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे। डिफ्रेंशिएट जब एक्स का करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, कार्ड पर मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए सेक स्क्वायर थीटा। तो इस डी एक्स की जगह हम लोग ये पुट करने वाले हैं। तो अब मेरा इंटीग्रेशन किस टर्म में आ गया, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, जैसे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टू द पावर कितना है, थ्री बाई टू दिया हुआ है। और डी एक्स की जगह मेरा क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा, ठीक है। क्या किया हम लोग, बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, ए स्क्वायर दोनों जगह है तो कॉमन लेंगे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू विच इज ए क्यूब हो जाएगा, सिंपल मैथ, ठीक है। तो ये ए क्यूब हो गया और मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन टू द पावर थ्री बाई टू इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक ए और एक के कैंसिल हो जाएगा तो ये स्क्वायर बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं, तो वन अपॉन ए स्क्वायर। अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, विच इज सेक स्क्वायर थीटा, और फिर उस पर पावर क्या होगा, थ्री बाई टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक क्यूब थीटा और यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा, सॉरी ए तो यहाँ कैंसिल मैंने कर दिया ना, ए तो कैंसिल हो चुका है, तो सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा। अभी सेक स्क्वायर थीटा से ये सेक क्यूब नहीं है तो सेक थीटा यहाँ बच जाएगा। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो रिड्यूस होके हो चुका है, वन बाय ए स्क्वायर, वन बाय सेक थीटा को क्या मैं लिखूँगा, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। वन बाय कॉस वन बाय सेक थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। और इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग को आता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा नहीं होता है, ओके, माइनस साइन थीटा डिफ्रेंशिएशन होता है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है किसी को। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग देंगे सी। अब यहाँ पे फिर से आते हैं, हम लोगों ने एक्स को क्या माना है, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, बट मुझे अब चाहिए क्या वैल्यू, साइन थीटा का। तो यहाँ से टेन थीटा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो टेन थीटा यहाँ से कितना आ गया, टेन थीटा आ गया एक्स बाय ए। तो यहाँ से अगर टेन थीटा एक्स बाय आया तो ये पी अपन बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा निकालना चाहें तो वो क्या होगा, पी अपन एच होगा, p तो मेरा x है और h कितना होगा, तो दोनों का सम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गया ना, ये क्या किया हम लोग, बेसिक ये 90 डिग्री अगर है तो, और ये लेट से एंगल है थीटा, तो ये x है मेरा, ये बेस a है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। बाकी हम साइन थीटा निकाल लें, p अपॉन एच। तो यहाँ से मेरा आ गया वन बाई ए स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट एक कॉन्स्टेंट सी। तो क्या हुआ, एक इंटीग्रेशन को हम लोग क्या किए, इसमें रिड्यूस कर दिए, तो काफ़ी इजीली ये कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया और हम लोग उसको इंटीग्रेट कर लिए। ऐसे ही और भी कोई, अगर कोई और फॉर्म रहे तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखते हैं और एक एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने ली है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर दिया हुआ इस फॉर्म में है, ठीक है।
इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बेसिक, यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स लगा सकते हैं हम लोग वो लगाएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल ये कि इसे एक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स को क्या परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे एक्स प्लस वन का स्क्वायर लिख दें तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन आया, बट यहाँ टेन दिया हुआ है तो प्लस नाइन मेरे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ हम लोग लगा सकते हैं, क्या किया इसे एक स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, लाइक लेट्स से कि ये कुछ से टी है तो टी स्क्वायर प्लस समथिंग ए का होल स्क्वायर है, या फिर इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं लाइक वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स, दोनों सेम है। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। लेट्स से तो सबसे पहले हम लोगों को क्या एक्सप्रेशन क्या दिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी जस्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, इस पूरे टर्म को इस बार एक्स ना लिख के एक्स प्लस वन को हम लोग क्या पुट करेंगे ए, और ए की जगह हम लोग क्या बोले थे कि ए डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या है आपका ए, तो ए मेरा क्या है इस बार थ्री है, तो थ्री टेन थीटा पुट करेंगे हम लोग। ये समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, मेरा जो एक्सप्रेशन रहता था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हम लोग पुट करते थे एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन ऑफ थीटा, ठीक है, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या है मेरा x प्लस वन है, तो हम लोग x प्लस वन को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और a की जगह क्या है थ्री है, तो यहाँ पे a टेन थीटा की जगह क्या होगा थ्री टेन थीटा। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन dx एक्स वन का तो जीरो, थ्री सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। तो ये जो मेरा इंटीग्रेशन है ये हो गया अब वन प्लस एक्स, ये हो गया नाइन टेन स्क्वायर थीटा प्लस नाइन का होल स्क्वायर, और डी एक्स की जगह आ गया थ्री सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नाइन स्क्वायर कॉमन नाइन तो ये हो जाएगा एट्टी वन, तो दिस इज थ्री सेक स्क्वायर थीटा एट्टी वन इंटू यहाँ क्या बच जाएगा फिर से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर और एक स्क्वायर यहाँ पे है तो सेक फोर थीटा, और ये हो गया डी थीटा। अब कैंसिल आउट अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी सेवन, और ये बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ वन बाई ट्वेंटी सेवन इंटीग्रेशन वन बाई सेक स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन तो हम लोग करने जानते हैं फिर से, ये इंटीग्रेशन तो हम लोग करने जानते हैं क्या होगा, साइन का स्क्वायर या क्यूब फोर कोई भी पावर रहता है साइन का तो हम लोग करने जानते हैं। कैसे करते हैं करके दिखाता हूँ मैं, वन बाई ट्वेंटी सेवन इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू डी थीटा, तो ये हो गया वन बाय फिफ्टी फोर थीटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन वन का थीटा, और कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा साइन टू थीटा बाई टू, ठीक है, प्लस सी। अब थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे थीटा का, तो थीटा क्या है मेरा देखते हैं यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे थीटा मुझे मिलेगा, तो थीटा का क्या वैल्यू होगा टेन इनवर्स एक्स बाई थ्री, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई थ्री, तो थीटा क्या आ जाएगा दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई थ्री, तो थीटा क्या आ गया मेरा टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई थ्री प्लस यहाँ पे क्या है साइन टू थीटा बाई टू। अब साइन टू थीटा को हम लोग को सॉल्व करना होगा तो दो तरीके से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि साइन टू थीटा की जगह क्या लिख दो टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई थ्री बाई टू प्लस थ्री, यह आंसर ये हो गया। या फिर हम लोग क्या करेंगे साइन टू थीटा को, साइन टू थीटा एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा के टर्म में, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मेरा टेन थीटा का वैल्यू है तो इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा उसे लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही आंसर मेरा सही होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है कि वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो ये जब एक्सप्रेशन रहता है मेरे पास कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या पुट करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं
एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा, तो मेरा डी एक्स क्या आएगा, डी एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, सिंपल। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है अब वो किस फॉर्म में आ गया देखते हैं हम लोग, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट, और डी एक्स की जगह क्या है ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन और अंडर रूट उस पर ऑपरेट होगा तो ए बचेगा, तो वन अपॉन ए और यहाँ पे क्या बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, तो ये इंटीग्रेशन हो गया ए कॉस ऑफ थीटा इंटू ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, यहाँ से ए कॉस थीटा कैंसिल, तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो हो गया क्या अब डी ऑफ थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा प्लस सी, थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा कहाँ है मेरा यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा का वैल्यू क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन ये क्या एक हम लोग फॉर्मूला की तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये आएगा ये हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट यूज करेंगे इसका, और भी इसका कुछ होगा वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक दो फॉर्मूला क्यों ना आप डिराइव करो, लाइक अगर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए, तो इसका क्या होगा, ये डायरेक्ट इसे इस मेथड से ही सॉल्व करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जो आंसर आएगा उसे हम लोग फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे ये सारा इस टाइप का जो फॉर्मूलाज है वो क्या होगा डायरेक्ट हम लोग देखने वाले हैं, और उस पर प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।